हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में हम देख रहे हैं चैप्टर वन का पार्ट टू। इसमें हमने इससे पहले हमने पार्ट वन में देखा था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें हमने काफ़ी बेसिक फीचर्स और फंडामेंटल्स को लेते कवर करते हुए चले थे। आज भी हम थोड़े बेसिक होंगे, लेकिन आज हम एक प्रोग्राम भी करेंगे। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बिल्डिंग द प्रोग्राम, अ सिंपल प्रोग्राम इन सी। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी में प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास एक सिस्टमैटिक रूल है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा पहला स्टेप होता है कमेंट्स। कमेंट्स लिखना नेसेसरी नहीं है। अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे फायदे के लिए होता है। अगर हम इसे लिखें तो ये हमारे फायदे के लिए ऐसे होगा, जैसे कि अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो ऊपर हमने नाम लिख दिया तो हमें इससे क्या है, रिमेम्बर रहेगा कि हम ये टास्क कर रहे हैं। तो और उसमें हम डेट भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं। ये कंपाइल नहीं होता, ये दो करेक्टर्स से स्टार्ट होता है और फिर उसके अंदर हम अपना कमेंट लिखते हैं और फिर दो करेक्टर से एंड हो जाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इसके अंदर इंक्लूड और डिफाइन जैसे वर्ड्स आते हैं कंपाइल को ये बताने के लिए कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। ये हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बता देते हैं, जैसे कि इंक्लूड वाले में हमारी सारी हेडर फाइल्स आ जाती हैं, और हैज डिफाइन ये हमारे आइडेंटिफायर जितने भी है वह सारे बता देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर्स हैं। तो एक तरह से हमें पूरे प्रोग्राम में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं ये दो चीजें ही बता देती हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। ग्लोबल डिक्लेरेशन, यह भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें कई कई प्रोग्रामों में इसका यूज करना पड़ता है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन हम अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कंपाइलर जब भी कंपाइल करता है तो कंपाइल करने के लिए वह सबसे पहले वॉइड मेन के पास आता है। मेन के पास जाके सारी लोकल डिक्लेरेशन और उसकी स्टेटमेंट और इसके अंदर सारे फंक्शन कॉल भी होते हैं। तो माना जाए तो सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आता है, फिर वो सारी चेक करता है और जो भी फंक्शन हो, ग्लोबल हो या फिर लोकल, वह सारे चेक करते हैं। उसके बाद स्टेप 5, अदर फंक्शन एज रिक्वायर्ड। अगर वो अदर फंक्शन है, अगर आपको जरूरत है तो ग्लोबली हो जाते हैं और ग्लोबल को हम कॉल करते हैं मेन के अंदर। तो ये हमारा था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग। आगे चलते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो एक लाइफ साइकिल होती है उसकी, कि किस तरह उसको हमने बनाया और फिर वो किस तरह एंड हो रहा है, तो ये एक लाइफ साइकिल होती है। तो डेफिनेशन द प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है तो पहले हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि वो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। जैसे कि हमारे पास आया एक प्रॉब्लम कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो हम उसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे। उसके बाद डिजाइनिंग द प्रोग्राम, फिर हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। डिजाइन इन द सेंस उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट से हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे प्रोग्राम स्टार्ट करें, उसमें क्या क्या चीज हम इन्वॉल्व करें और किस तरह उसका एंड करें। बिल्डिंग द प्रोग्राम, फिर हम उसको बनाते हैं अपने टेक्स्ट में। फिर टेस्टिंग द प्रोग्राम, फिर हम उसे टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है या नहीं।
उसके बाद हम उसकी डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट इन द सेंस उसे सेव करना है या फिर उसमें कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे इम्प्रूव करना। डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग द प्रोग्राम, तो वो उसको अगर कोई गलती हुई है तो उसे मेंटेन करना और उसे आगे भी मेंटेन कर रखना, यह एक लाइफ साइकिल में आती है और इस तरह से किसी भी प्रोग्राम का एंड होता है। अगर आगे चलते हैं, बिल्डिंग अ प्रोग्राम इन सी, किस तरह से हम एक प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। सबसे पहले आती है हमारा प्रोग्राम डिजाइन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना होता है। फिर उसके बाद एक सोर्स कोड जनरेट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड। इसको हम इधर फिगर में देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कोई सी भी हो सकती है, सम ऑफ टू नंबर्स, अदर देन, कोई भी, हम कुछ भी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स लिया है, तो उसका हम एल्गोरिथम देखेंगे। एक प्रोग्रामर सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम का एल्गो अपने दिमाग में तैयार करता है या फिर कहीं पर लिख के उसे तैयार रखता है, ताकि उसे जब वो कोडिंग कर रहा हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमारा काम, जब हमें प्रॉब्लम मिले कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, तो सबसे पहले हमें एल्गोरिथम तैयार रखना चाहिए उस चीज का। तो हम यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स का एल्गोरिथम हमने तैयार किया। फिर प्रोग्रामर ने उस चीज को प्रोग्रामर ने यहाँ पर कोडिंग की। फिर हमारा सॉफ्टवेयर आता है टेक्स्ट एडिटर, जो कि डॉट सी को, हम इसको कोई भी नाम लिख सकते हैं, एबीसी डॉट सी, सी डॉट सी से हमारी, जैसे कि मैं टर्बो सी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं डॉट सी से मेरी फाइल सेव होगी डिस्क में। और फिर उसके बाद हमारा एक सॉफ्टवेयर एक और आएगा जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर में जो भी मैं हैश इंक्लूड वाली जितनी भी फाइलें इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिन्हें कहते हैं हेडर फाइल्स, जितनी भी फाइल्स मैं यूज कर रहा हूँ, वो यहाँ कंपाइलर में आके पेस्ट हो जाएंगी। एक तरह से उसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो यहाँ पे हमें पता लग जाती है। तो हम ये देखेंगे कि वह कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट फाइल में, हालांकि नाम सेम ही है, एबीसी डॉट सी, और यहाँ देखेंगे एबीसी डॉट ऑब्जेक्ट, नाम सेम ही है, लेकिन उसका हम देखेंगे तो एक्सटेंशन चेंज हो चुका है। आगे चलते हैं, तो उसके आगे आता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है लिंकर। लिंकर जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको उसके अंदर पेस्ट करता है, उनके एक्चुअल मीनिंग उसके अंदर पेस्ट करता है, और उसको बनाता है ईएक्सई फाइल। ईएक्सई फाइल बनाता है इसलिए क्योंकि ताकि वह ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सके। तो हमें सबसे पहले बनाना है एक प्रोग्राम, हमें सिंपली एक प्रोग्राम बनाना है सी में। उसके बाद ये चारों सॉफ्टवेयर अपना काम करेंगे और वह ईएक्सई फाइल हमें दे देंगे। हमें ये प्रोवाइड इसलिए किया गया क्योंकि सबके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हैं। अगर मैं अपने दोस्त को अपना प्रोग्राम देना चाहूंगा तो मैं सीधा एबीसी डॉट ईएक्सई फाइल दूंगा, ना कि कोई ऑब्जेक्ट कोड देके या फिर कोई सोर्स फाइल देके। मैं डॉट ईएक्सई फाइल इसलिए दूंगा क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। तो आप देख रहे हैं खाली एक्सटेंशन चेंज है, बाकी सब सेम है। तो फिर उसके बाद लोडर, लोडर हमें सारी चीजों का रिजल्ट शो करा देगा। तो हमें खाली एक प्रोग्राम बनाना है, बाकी सॉफ्टवेयर अपने आप तैयार होता है। ओके, देन आगे चलते हैं। तो आज हम एक सिंपल प्रोग्राम भी करने वाले हैं जिसका है अ सिंपल प्रोग्राम इन सी, इंक्लूड stio डॉट h। इसका मतलब होता है इंक्लूड करो stio डॉट h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल,
फिर अगले में आता है कोनियो डॉट एच, फिर वॉइड मेन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस, वेलकम पवन इन सी लैंग्वेज पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर गेट सी एच, फिर सेमी कॉलन, प्रोग्राम एंड। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इंक्लूड डॉट एच में सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आएगा। मेन के पास आते ही वह अगली लाइन पढ़ेगा जिसका नाम है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से वह जान जाएगा कि उसे कौन सी फाइल लेनी है। इसके बाद वो जाएगा STI.h में जिसमें प्रिंट एफ की डेफिनेशन दी गई है, फिर करेगा वेलकम इन सी, उसके बाद गेट सी एच। गेट सी एच कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं। यह एक पहले सबसे पहले हमने एक कमांड डाला है, फिर प्री प्रोसेसिस डायरेक्टिव है जो हमारे हैश से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर मैंने वॉइड मेन लगाया है, फिर क्लियर स्क्रीन जो कि मेरी स्क्रीन को, जो मेरी गार्बेज वैल्यू ना आए इसलिए स्क्रीन को साफ करने के लिए, फिर प्रिंट एफ, वेलकम पवन, ये मेरा जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ स्क्रीन पे वह है, और गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब होता है मुझे ये तब तक होल्ड करके रखता है जब तक आप इसको एक करेक्टर गिवन नहीं कर देते, और इसकी डेफिनेशन कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन में दी गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंट एफ का जो वो डेफिनेशन है वो STI.h में दे रखा है, और CLRSCR क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच की डेफिनेशन कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन में गिवन है। तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वह कंपाइलर मेन के पास आएगा। मेन के पास आते ही वह CLRSCR की लाइन चलाएगा जो सीधे conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन के पास आएगा जिसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो वह इसकी डेफिनेशन चलाएगा और इसके जितने भी फंक्शन इसके अंदर दिए गए हैं उसको इस पे पेस्ट कर देगा। तो इसका काम है CLRSCR का गार्बेज वैल्यू जो हमारे पास पहले से है उसको हटा देना और मेरी स्क्रीन को साफ कर देना जिसपे आंसर आने वाला है, और फिर उसके बाद मेरी अगली लाइन चलेगी प्रिंट एफ नाम की जिसकी डेफिनेशन STI.h में दे रखी है। प्रिंट एफ क्या करता है, वेलकम जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको प्रिंट कराने का काम करता है। ओके, तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है वेलकम पवन इन सी लैंग्वेज, फिर मैंने उसका टर्मिनेट उसके बाद सेमीकॉलन लगा दिया, फिर उसके बाद गेट सी एच जिसकी डेफिनेशन conio.h में दी गई है, जो कि एक जब तक कोई उसको एक करेक्टर नहीं मिल जाता तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। चलिए रन करते हैं।